पर बैठा था, अचानक अपने भैया भाभी की याद आ जाती है। अब आप लोग सामने तूफान, तूफान बनारस में तूफान। आज मुझे ना जाने क्यों अपने भैया भाभी की याद आ रही है। आप कौन? आपने मुझे चेपाना नहीं, पहचाना नहीं। देखिए, आपका नाम तूफान है। जी हाँ। जब तुम छोटे थे, हाँ हाँ, तो हम बड़े हो गए थे। अभी 40 साल नौकरी करते हो गया और तू बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। जी हाँ। सुना है तुम वकील हो चुके हो। हाँ हाँ। है? हम वैसे सिपाही रह गए। अच्छा। एक सूचना है, मेला मालिक जो यहाँ के हैं, मेला मालिक मेरी आवाज तुम्हारे कान तक पहुँचती है तो भाई हमारे यहाँ टंकी सेकने के लिए लकड़ी थोड़ा कम हो गई और टंकी चढ़ते नहीं है। आज मुझे अपने भैया भाभी की याद आ रही है, मेरा दिल नहीं लग रहा है, इसलिए हम घर की तैयारी बना लिए हैं। अच्छा, क्या तुम भी चलोगे घर? नहीं, उसे हमार गौना हमार घरा तोहरे गाँव में आए, लेकिन आप चलिए, हमारी कल छुट्टी है। लेकिन ये बनारस है, तुम बनारस कैसे आए हो? हमारी ड्यूटी लगी है। हो, ड्यूटी लगी है। हाँ यार। तो हम घर जा रहे हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जब तक मैं भैया भाभी को नहीं देख लूंगा तब तक मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा। चलिए ठीक है, तुम चलो आज, कल छुट्टी लेके मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है, चले आना। हो सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। भैया मैं घर आ रहा हूं। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आ। इधर कमला, घर पहुंच रही है, निराश हो गई बेचारी, कोई इसकी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है। क्या भगवान, मैं ठाकुर के पास मदद मांगने गई, उन्होंने कोई मेरी मदद नहीं किया। थाने गई दरोगा के पास, उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं किया। अब मैं कहां जाऊं, किसके द्वार जाऊं ताकि मेरी पति छूट जाए। मैं अपने पद को छुड़ाऊं तो कैसे छुड़ाऊं भगवान, तेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा देवर तूफान शहर पढ़ने को गया है, अगर मैं अपने देवर तूफान से ऐसी बात बताती हूँ, मेरी देवर की पढ़ाई अधूरी।